डियर स्टूडेंट्स, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की बहुचर्चित रचना नमक का दारोगा पढ़ेंगे। नमक का दारोगा का सारांश आपको दिया जा चुका है। चूंकि कुछ बच्चों का अनुरोध था कि मैम अगर आप प्रत्यक्ष रूप से इसे बोल देंगी तो वो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, तो आज मैं आप लोगों को नमक का दारोगा का सारांश बताने जा रही हूँ। सारांश से पहले मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में हम जानेंगे कि उनका जन्म 1880 ईस्वी में लमही गाँव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और उनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय था। उनकी रचनाओं को लें तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गोदान, गबन, ये सारे उपन्यास हैं। उसके अतिरिक्त कहानी संग्रह भी मैंने लिखा है, मानसरोवर। इसके अतिरिक्त और भी कहानी संग्रह है, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम प्रतिमा, प्रेम पचीसी, ये सभी इनके कहानी संग्रह है। मुंशी प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी जो हम कहें तो 1936 में कफन, कफन उनकी अंतिम कहानी थी, उसके बाद उनका देहांत हो जाता है। नमक का दारोगा, अब हम उसके सारांश पे आते हैं। अब ध्यान देंगे कि जब नमक, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नमक ईश्वर प्रदत्त वस्तु है, उस वस्तु के व्यवहार पर जब निषेध लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया, तब छल प्रपंच करके लोग क्या करने लगे, नमक के व्यापार का धंधा करने लगे, काला बाजारी करने लगे, घूस लेने लगे। ऐसे में नमक के को सुरक्षित रखने के लिए एक पद तय किया गया, दारोगा का पद। उस पद पर आसीन व्यक्ति को इतना लाभ होता था कि बड़े बड़े वकील भी चाहते थे कि वो अपना कार्य छोड़ करके दारोगा की नौकरी कर ले। दारोगा का पद किन लोगों को मिलता था, उस समय जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए, अरबी फारसी में प्रेम कथाएं लिख लिए, उन लोगों को प्रह दारोगा का पद मिल जाता था। मुंशी बंसीधर, जो कि नमक के दारोगा के मुख्य पात्र हैं, वो उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वो भी अरबी फारसी में कुछ प्रेम कथाएं लिख चुके थे। जब वो नौकरी के लिए आते हैं तब उनके पिता वृद्ध मुंशी जी उन्हें समझाते हैं कि देख, घर में लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ रही हैं, नौकरी में तुम औहदे को मत देखना कि तुम्हारा औहदा क्या है, तुम पैसा देखना। कहते हैं ना कि चांद, जैसे कि पूर्णिमा का चांद क्या होता है, महीने में एक बार दिखता है, तो सैलरी क्या होती है, मासिक आय, वो महीने में एक बार आती है और धीरे धीरे घटते घटते समाप्त हो जाती है, लेकिन ऊपरी आय बहता हुआ पानी है, इंसान का जब मन करे उसमें हाथ धो ले। तो नौकरी में औहदे का ध्यान मत देना, क्योंकि चढ़ावे में क्या होता है, पीर के मजार पर चढ़ाया क्या जा रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उनके पिता ये समझा करके भेजते हैं। जब वो आते हैं, दारोगा का पद उनको मिलता है। उसके बाद वो इतने कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार रहते हैं कि कुछ ही समय में काफी लोग उनका आदर सम्मान करने लगते हैं। एक दिन क्या होता है कि जाड़े की रात रहती है, रात के समय चौकीदार, जितने सिपाही नशे में मदमस्त रहते हैं, मुंशी बंसीधर भी सोए रहते हैं, तभी कुछ गाड़ियों के जाने की आवाज सुनाई देती है, मल्लाहों का कोलाहल सुनाई देता है। ऐसे में बंसीधर को ऐसा लगता है कि हो ना हो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो जैसे ही बाहर निकल के आते हैं, जितने भी गाड़ीवान रहते हैं वो काफी भयभीत हो जाते हैं। मुंशी बंसीधर के बार बार पूछने पर भी कि बताओ इसमें क्या है, वो कुछ नहीं बोलते हैं। तब उनका शक यकीन में बदलता है कि हो ना हो दाल में कुछ ना कुछ काला है। तब उस गाड़ी के पास जाते हैं, उस पे जो माल लदा हुआ रहता है वो उसको देखते हैं और परखते हैं और पूछते हैं कि क्या है। जब वो नहीं बताते हैं तब उन्हें कहते हैं कि जाओ अपने मालिक को बुला के लाओ और इसका मालिक कौन है। तब वो उनके जो नौकर रहते हैं, गाड़ीवान रहते हैं, वो ये बताते हैं कि इस इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार पंडित अलोपी दीन का ये माल है, आप इसे जाने दीजिए। लेकिन मुंशी बंसीधर टस से मस नहीं होते और कहते हैं कि पहले आप अपने मालिक को बुला करके ले आइए। जब पंडित अलोपी दीन को जा करके ये सूचना दी जाती है तो उनके मन में एक निश्चिंतता रहती है, वो शांति में रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि न्याय और नीति लक्ष्मी के हाथ के खिलौने हैं। क्योंकि चूंकि अलोपी दीन के पास बहुत पैसा रहता है, उन्हें पता है कि लक्ष्मी के बल पर किसी को भी खरीदा जा सकता है। उन्हें लगा कि चलो जाऊंगा, पैसे वगैरह दूंगा, माल आसानी से हमारा निकल जाएगा। जब पंडित अलोपी दीन वापस आते हैं और मुंशी बंसीधर से कहते हैं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि माल यहां से जाएगा और आप पर चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाएगा, और अपने एक गाड़ीवान को संकेत देते हुए कहते हैं कि इन्हें 1000 रुपए दे दो। उस समय मुंशी बंसीधर कहते हैं कि आप 1000 के अगर 1 लाख भी दे दें तो भी मैं अपने पथ से टस से मस ना होऊंगा।
मुंशी पंडित अलोपी दीन बार बार इसी तरह से पैसे की कीमत बढ़ाते गए, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 बढ़ते बढ़ते वो अंततः 25,000 और 40,000 तक पहुंचता है। लेकिन तब भी मुंशी बंसीधर टस से मस नहीं होते हैं। अंत में अलोपी दीन कहते हैं कि अब आपको मुझे गिरफ्तार भी करना है तो आप कर लीजिए। तब वो बदलू सिंह को आदेश देते हैं कि इसे गिरफ्तार कीजिए। उन्हें गिरफ्तार करके जब न्यायालय में पेश किया जाता है तो चूंकि वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे तो उस इलाके में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उनका गुलाम न हो, जिन पर उनका कर्ज न हो। अलोपी दीन को अदालत में देख करके लोगों को इस बात का आश्चर्य नहीं होता है कि वो अदालत में क्यों है। उन्हें आश्चर्य इस बात का होता है कि इतना ज्यादा धन संपत्ति होने के बाद भी वो पकड़े कैसे गए। अब जितने वकील रहते हैं उन्हें छुड़ाने के प्रपंच में लग जाते हैं। तरह तरह की बातें की जाती है, मुंशी बंसीधर को गलत साबित किया जाता है। मुंशी बंसीधर यहाँ तक कह देते हैं, मुंशी बंसीधर जानते हैं कि उन्हें गलत साबित किया जा रहा है लेकिन फिर भी उनके मन में कोई भी चिंता नहीं रहती है। अंत में न्यायालय का ये फैसला आता है कि मुंशी बंसीधर आप अपने कार्य में कर्तव्यनिष्ठ हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, लेकिन अगर आपकी ईमानदारी किसी के कार्य में बाधा उपस्थित कर रही है, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के मान सम्मान को बिगाड़ रही है, तो आपको अपना कार्य ध्यान से करना होगा। ये कहकर के पंडित अलोपी दीन को रिहा कर दिया जाता है। चारों तरफ पंडित अलोपी दीन की जय जयकार होने लगती है। मुंशी बंसीधर को सब निंदा की दृष्टि से देखने लगते हैं। अंततः मुंशी बंसीधर कुछ दिन दारोगा के पद पर कार्य करते हैं, उसके बाद भी उनका इस्तीफा आ जाता है। इस्तीफा कहे बल्कि उनकी नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये बात जब मुंशी बंसीधर के परिवार वालों को पता चलती है, उनके पिता को, उनके माँ को, उनकी पत्नी को, तो सभी उन पर गुस्सा करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं कि इतनी अच्छी नौकरी मिली थी, घर परिवार इतने अच्छे से चल रहा था, अचानक से इनके मन में क्या ऐसा समाया, इतनी ईमानदारी का भूत क्यों इन्हें चढ़ गया कि सब धरा का धरा रह गया। घर जब मुंशी बंसीधर आते हैं तो उनके पिताजी उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं। अचानक से एक दिन पंडित अलोपी दीन मुंशी बंसीधर के घर पे सजीले रथ में आते हैं। उस रथ को देख करके मुंशी बंसीधर के पिता को ऐसा लगता है कि हो ना हो ये अलोपी दीन ही है। उसके बाद वो अलोपी दीन के सामने अपने पुत्र की शिकायत करने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं, कहते हैं कि भगवान ऐसा पुत्र किसी को दे ही ना, कि ये सब काम बिगाड़ के बैठा है, हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। तब पंडित अलोपी दीन उन्हें मना करते हुए कहते हैं कि आपका पुत्र हीरा है, उसके जैसा पुत्र सबको मिले। उसके बाद जब मुंशी बंसीधर से पंडित अलोपी दीन का आमना सामना होता है तो बंसीधर को पहले ऐसा लगता है कि मुझे नौकरी से निकलवाने के बाद भी शायद इन्हें शांति नहीं मिली, जिसके कारण वो मेरा अपमान करने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन जब अलोपी दीन से बातचीत होती है तब उनका सारा भ्रम दूर हो जाता है। वो क्या देखते हैं कि अलोपी दीन एक हाथ में कागज लिए रहते हैं और कहते हैं कि आपसे कुछ, आपके पास कुछ निवेदन लेके आया हूं, अगर आप मान जाएं तो बहुत अच्छा होगा। इस पर वो कहते हैं कि क्या निवेदन, तो वो कागज देते हैं। उस कागज में साफ साफ लिखा रहता है कि वो मुंशी बंसीधर को अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर रहे हैं, क्योंकि पंडित अलोपी दीन भी ये बात जान गए थे कि जितने लोग हैं सब उनके पैसे के गुलाम हैं और पैसे के लिए कभी भी छल कपट कर सकते हैं। लेकिन मुंशी बंसीधर 1,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए तक की बात हुई थी, लेकिन वो अपने कर्तव्य के मार्ग से, ईमानदारी के मार्ग से डिगे नहीं, तो यही एक व्यक्ति है जो मेरे संपत्ति की रक्षा कर सकता है। इस पर मुंशी बंसीधर ये बात कहते हैं कि देखिए ना तो मैं उतना अनुभवी हूं कि इस कार्य को कर सकूं, इस कार्य को करने के लिए आपको अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है। तो वो कहते हैं कि मुझे अनुभवी व्यक्ति नहीं चाहिए, बस आप ही हाँ कर दीजिए। बस आप एक बात ध्यान रखिएगा कि उस नदी के किनारे वाले जो ईमानदार दरोगा बने थे ना, बस वही बने रहिएगा। उस कागज में, उस वसीयत में ये भी लिखा रहता है कि उन्हें 6,000 रुपए सालाना तनख्वाह होगी, उनको साथ ही रहने के लिए घर दिया जाएगा, नौकर चाकर रहेंगे, आने जाने के लिए गाड़ियां भी उपलब्ध की जाएंगी। ये सारी बातें सुन करके अंत में मुंशी बंसीधर कलम लेते हैं, उस वसीयत पे हस्ताक्षर करते हैं और दोनों आपस में गले मिल जाते हैं। ये हमारा सारांश खत्म है।